हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे चैनल एडवांस स्टडी। हमें दोस्तों एक बार फिर से इंडियन रेलवेज़ के अंतर्गत वैकेंसीज़ यहां पर रिलीज़ कर दी गई हैं। जितनी भी वैकेंसीज़ यहां पर आई हैं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत रहने वाली हैं। और देखिए, सेंट्रल रेलवे द्वारा ये पूरा भर्ती विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। सबसे पहले आप सभी लोग पोस्ट जान लें कौन कौन सी वैकेंसीज़ यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है डॉक्टर्स, उनके लिए वैकेंसीज़ हैं। और देखिए, मेडिकल ऑफिसर्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। स्टाफ नर्सेज का अच्छा खासा रिक्रूटमेंट आ चुका है, इनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज़ रहने वाली हैं। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की वैकेंसीज भी यहां पे रहने वाली है। हॉस्पिटल अटेंडेंट्स, देखिए ओटी असिस्टेंट्स, इनके लिए भी यहां पे वैकेंसीज हैं। और दसवीं कक्षा जो यहां पे पास है उनके लिए भी यहां पे वैकेंसीज आ चुकी हैं। हाउसकीपिंग असिस्टेंट्स के लिए यहां पे पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए, किस तरीके से आपको यहां पे अप्लाई करना है, कितनी पोस्ट यहां पे इंक्लूड की गई है, क्वालिफिकेशन के तौर पे आपसे क्या क्या मांगा जा रहा है, एज क्राइटेरिया यहां पे क्या रहेगा, सैलरी पैकेज यहां पे क्या है, सारी जानकारी हम आपको यहां पे प्रोवाइड कराने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो को यहां पे लाइक कर दें, दिल से इस वीडियो को यहां पे लाइक करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन अब आपसे यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। जो सरकारी भर्ती यहाँ पे आ रही है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, हमारा यूट्यूब चैनल सारी जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला है। हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें, तो वीडियो को नीचे आइए, सब्सक्राइब कर रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन आगे भी इसी तरीके से आगे पाते रहिए। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को। सबसे पहले आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ, पूरे डिवीजन के अंतर्गत जो रेलवे कोचेस तैयार किए गए हैं क्वारंटीन सेंटर्स के अंतर्गत, इनमें आपको 3 मंथ्स के लिए ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो ये जानकारी भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब बढ़ जाते हैं यहाँ पे वैकेंसी टेबल की ओर। तो देखिए, सबसे पहली जो पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर और देखिए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए रहने वाली है। 30 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, डिग्री होना यहाँ पे जरूरी है MBBS की। और देखिए, साथ ही साथ जो है रजिस्ट्रेशन जो रहता है, अगर आपके पास ये है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें। 53 साल से ज़्यादा आपके यहाँ पे उम्र ना हो, B1 लेवल का आपका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है। अगली जो वैकेंसी है दूसरे नंबर की, देखिए वो है स्टाफ नर्स की। स्टाफ नर्स का अच्छा खासा रिक्रूटमेंट यहाँ पे आ चुका है। 90 वैकेंसीज यहाँ पे इंक्लूड कर ली गई हैं, 90 वैकेंसीज हैं। और देखिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका GNM का, जो भी आपका डिप्लोमा जो कोर्स है। और देखिए, BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, रजिस्ट्रेशन होना भी आपका यहाँ पे जरूरी है। 40 साल से ज़्यादा उम्र आपकी यहाँ पे ना हो। और यहाँ पे देखिए, C1 लेवल का आपका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड आपका यहाँ पे होना चाहिए। अगली वैकेंसी है दोस्तों, ये रहेगी हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की। 15 वैकेंसीज यहाँ पे इंक्लूड की गई है। BSc होना आपका यहाँ पे जरूरी है केमिस्ट्री के साथ। और 1 साल का जो है डिप्लोमा कोर्स रहता है हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का, ये अगर आपके पास है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें। 33 साल से ज़्यादा उम्र आपकी यहाँ पे ना हो। C1 लेवल का आपका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है। अगली जो वैकेंसी है दोस्तों, देखिए हॉस्पिटल अटेंडेंट्स और असिस्टेंट्स के लिए रहेगी, OT असिस्टेंट्स। और देखिए, 75 वैकेंसीज हैं मिलाकर। देखिए, 10th क्लास पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, SSC जिसको यहाँ पे कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, ITI वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, इसके अतिरिक्त इक्विवेलेंट जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें। और देखिए, जिसके पास एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल का उसको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। 33 साल से ज़्यादा उम्र आपके यहाँ पे ना हो, B1 लेवल का आपको जो है मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। अंतिम जो वैकेंसी है देखिए हाउसकीपिंग असिस्टेंट की है। और देखिए, 75 वैकेंसीज है, अच्छी खासी वैकेंसीज है, आप लोग यहाँ पर जरूर अप्लाई करें। मात्र जो है 10वीं क्लास पास होना आपका यहाँ पे जरूरी है। 10th क्लास अगर आप लोग यहाँ पे पास है, उत्तीर्ण है, तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें। और मेरा ये ऐसा मानना है सभी लोग यहाँ पे 10वीं कक्षा जो है आप लोग यहाँ पे उत्तीर्ण होंगे। और जरूर आप लोग यहाँ पे अप्लाई करिएगा, ITI हो या फिर और इसके अतिरिक्त कोई और इक्विवेलेंट आपके पास कोर्स है तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 33 साल से उम्र ज़्यादा आपके यहाँ पे ना हो, V1 लेवल का आपका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है। सैलरी पैकेज के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं इनके लिए देखिए 75,000 रुपये सैलरी पैकेज आपको यहाँ पर मंथ बेसिस पर दिया जाएगा। स्टाफ नर्सेज के लिए देख सकते हैं 44,900 रुपये आपको सैलरी पैकेज मिलेगा। साथ ही साथ देखिए, अदर अलाउंसेज भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की वैकेंसीज भी यहाँ पर थी, जैसे कि मैंने आपको बताया है, 35,400 रुपये आपको सैलरी पैकेज मिलने वाला है। अलाउंसेज इसके साथ अतिरिक्त आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। हॉस्पिटल अटेंडेंट्स, OT असिस्टेंट और देखिए हाउसकीपिंग असिस्टेंट, इनके लिए देखिए 18,000 रुपये सैलरी पैकेज मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको अदर जो अलाउंसेज रहते हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्वालिफिकेशन में ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। और देखिए, किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है ये बात कही जा रही है 5वें नंबर के इस पॉइंट में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दोज फुलफिलिंग द अबव कंडीशन, जो भी कैंडिडेट अगर फुलफिल यहाँ पे रखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप लोग यहाँ पे योग्यता रखते हैं, तो देखिए आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। तो देखिए, ऑनलाइन लिंक आपको यहाँ पे दी जा रही है, इस पर आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपलोड करेंगे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है, आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट जितने भी है PDF फॉर्मेट में आप सभी लोग अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। और जो भी मार्कशीट वगैरह रहेंगी वो सब आपको यहाँ पे भेजना होगा। और देखिए, आप लोगों को WhatsApp इंटरव्यू द्वारा जो है यहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे प्रोवाइड कराना होगा। वही मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराएं जिससे आपका यहाँ पे WhatsApp नंबर यहाँ पे चालू है।
तो दोस्तों ये जानकारी भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी है। और देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जा रहा है, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे उनको देखिए ज्वाइनिंग के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा और यहाँ पर इनको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और देखिए डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको क्या क्या यहाँ पर तैयार रखना होगा जब आपके यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक सेट आपको जेरोक्स कॉपी का यहाँ पर ले जाना होगा आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। और यहाँ पर देखिए दो पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जितना भी है आपका ओन बैंक अकाउंट की डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशंस है, प्रमाण पत्र है, सब आपको यहाँ पे ले जाना है। फोटोकॉपी का जो सेट है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना होगा। तो बिल्कुल आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पे अप्लाई कर दें, इस लिंक पे यहाँ पे क्लिक करें और आप लोग अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दें और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग यहाँ पे सेंड कर दें। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी है। ये अपडेट आपको कैसा लगा जरूर बताएं और लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को यहाँ पे शेयर जरूर करें, सभी लोगों को बता दें। आप लोगों को यहाँ पे देखिए ऑनलाइन अप्लाई करना है और यहाँ पे जरूर यहाँ पे इस वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स लोगों में और यहाँ पे अप्लाई जरूर करें। 10th क्लास अगर आप लोग यहाँ पे उत्तीर्ण हैं तो जरूर आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह है, कोई भी यहाँ पे कोई भी सवाल वगैरह है आप सब लोग हमसे यहाँ पे पूछें और सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जितनी भी सरकारी भर्ती आ रही है हमारा यूट्यूब चैनल सारी जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला है। कोई भी इन्फॉर्मेशन अब आपसे यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। 1 से 2 घंटे के अंतर्गत एक और सरकारी भर्ती के बारे में जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, तो वो जानकारी आपसे ना छूटे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को नीचे आइए, सब्सक्राइब कर रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, जानकारी इसी तरीके से आगे भी पाते रहिए। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।